नमस्कार, MSW न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ICAR ने एग्जाम लिया था उसके बारे में एक ताज़ा अपडेट जारी की गई है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर जो एडमिशन चल रहे हैं उसमें काउंसलिंग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट अब जारी की गई है। अब काउंसलिंग कुछ स्टार्ट होने ही वाली है कुछ समय में, लेकिन उससे पहले आपको जो है अपने जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अपडेट करने होंगे, उसी से रिलेटेड ये जो है अपडेट है। तो 2019 और 20 के जो सेशन के लिए NTA ने अब की बार 1 जुलाई 2019 को एग्ज़ाम लिया था। उसके बाद और जो कैंडिडेट है वो जा करके www.icar.org.in पर जा करके या फिर www.icarexam.net पर जा करके अपना जो है अपडेट कर सकते हैं अपने मार्क्स को। अगर आपने अपने क्वालिफाइंग मार्क्स अपडेट नहीं किए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे काउंसलिंग के लिए। अगर आप ने जो है अभी तक मार्क अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से जा करके कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.icar.org.in। कैसे करना है वो भी हम आपको बता देंगे। साथ के साथ इसके लिए आपको 2 दिन का समय दिया गया है, 20/7/2019 से 6 बजे से। कल से यह जो है आपको शुरू हो चुका है, आपके लिए लिंक खुल चुका है और 22/7/2019 को 6 बजे तक आप लोग अपडेट कर सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अपडेट नहीं किया, अगर आप क्वालिफाई कर भी चुके हैं उसके बावजूद भी आपका जो है लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आप काउंसलिंग के लिए ही एलिजिबल नहीं होंगे। लिस्ट में नाम तो बाद में आएगा, तो इसीलिए इस काम को सबसे पहले कर लीजिएगा। साथ के समय हम आपको बता देते हैं कि आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसकी कट ऑफ है उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ थी उससे आपका अंदाजा हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो उसको खोलने के बाद जो लेटेस्ट न्यूज़ में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको भरना होगा कि आपका कोर्स कौन सा था, कौन से ईयर के आपको एग्जाम पेपर चाहिए और आप कुछ डिटेल्स पूछेंगे आपसे। उसके बाद आपके सामने जो है कट ऑफ पिछले साल की आ जाएगी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो है अब की बार सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। साथ के साथ अगर आपको अपडेट करना है तो आपको कैसे करना है और कैसे आप कर सकते हैं, तो आपको स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर के अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरना होगा। उसके बाद वहां पर एडिट का ऑप्शन आएगा, उसमें जाकर के आप जो है एडिट कर सकते हैं और वहां पर अपना जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके वो अपडेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपडेट कर देते हैं उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए। आप हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अगर आप जो है सिलेक्ट होते हैं तो। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देते रहते हैं। और चैनल वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ किसी और की भी मदद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।